आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शुक्रवार को महापौर नवीन जैन ने बलकेश्वर रोड क्षेत्र में आईआईटी के सामने 70 मीटर लंबी सीवर पाइपलाइन के कार्य का विधिवत पूजन का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय लोग काफी समय से सीवर जाम की समस्या से जूझ रहे थे। सीवर पाइपलाइन कार्य पूरा होने से क्षेत्रीय लोगों को सीवर जाम से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार को महापौर नवीन जैन ने बलकेश्वर रोड क्षेत्र में आईआईटी के सामने 70 मीटर लंबी सीवर पाइपलाइन के कार्य का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। क्षेत्रीय लोग काफी समय से सीवर जाम की समस्या से जूझ रहे थे। सीवर पाइपलाइन कार्य पूरा होने से क्षेत्रीय लोगों को सीवर जाम से मुक्ति मिलेगी। इनके क्षेत्र में सीवर की समस्या थी, सीवर लाइनें ओवरफ्लो किया करती थी और लोग बहुत परेशान थे। आने को शिकायतें आती थी नगर निगम के पास, जल कल विभाग के पास, मेरे पास भी आती थी। हमारे अंकित कक्कड़ जो यहाँ पर युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष है, इनके पास आती थी। तो ये सब परेशान भी थे, तो हमने एक पाइपलाइन डलवा के और सीवर की समस्या का निस्तारण का कार्य का शिलान्यास किया है। इसके डलने से जो इस क्षेत्र में जो समस्या थी, तो क्षेत्र सीवर समस्या मुक्त हो जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आगरा शहर के अंदर ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर सीवर ओवरफ्लो कर रही हैं। मेरा वहाँ सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि जितना हमारी जानकारी में हो रहा है, हम तो काम करा ही रहे हैं। कार्यक्रम में महापौर नवीन जैन ने शहर के लोगों से अपील की कि शहर में जहां भी सीवर जाम की समस्या है, उसे नगर निगम के शिकायती फोन नंबर से शिकायत कराएं। जल्द ही निगम समस्या का जल्द समाधान करा देगा। आप लोगों की भी अगर कोई जानकारी में है तो नगर निगम में आप उस पूरा पता लिख कर कि यहां पर इतनी पुरानी समस्या है, तो वो नगर निगम में भी आप नगर आयुक्त के नाम मेरे नाम से एक पत्र भेज दें, जिससे उस समस्या का समाधान भी हम करा सकें। मेरी कोशिश है कि शहर को सीवर समस्या मुक्त करने का, और मेरी कोशिश है आने वाला एक वर्ष के अंदर कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो ना दिखे, ये सी मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए सभी नागरिक सहयोग करें। हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी सुपरवाइजर हैं, हमारे पार्षद हैं, वो तो ध्यान रख ही रहे हैं, अवगत कराते रहते हैं समय समय पर। और जनता की ओर से भी अगर कोई जानकारी आएगी तो उसका स्वागत है, हमें बताएं, हम समस्या का समाधान करेंगे। बलकेश्वर में आईआईटी के सामने काफी महीने से सीवर जाम की समस्या चली आ रही थी। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।